एक व्यक्ति था मेरे पास, मेरी टीम का, वो बाल भी मेरी तरह बनाता था, वो चश्मा भी मेरी तरह पहनता था। उसको मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर से पिक करके लाया था और उसको साथ में कर रहे थे। मैंने कहा था तेरा हाईएस्ट पैकेज मैं दिलवा दूंगा, तू आ मेरे साथ। दिलवा भी दिया वो अपने फाइनल ईयर में अभी। वो व्यक्ति जब थर्ड ईयर में था तब मेरे पास बीच में आया था कि मुझे पीडब्ल्यू कुछ इतना ऑफर कर रहे हैं, मैं चला जाऊं? मैं नहीं जाना चाहता, आप मेरा पैकेज इतना बढ़ा दो प्लीज। मुझे लगा यार हमारे तो टर्म्स अच्छे हैं, मेरे को लगता नहीं कि अप्रोच किया होगा। पर मैंने कहा मे बी नॉट, मैं ज्यादा उसको मैंने करा नहीं। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं। वो व्यक्ति थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस आया, बोला अनअकैडमी ने मुझे इतना ऑफर दिया। मैंने कहा यार देख यार ऐसा है तो फिर चला जाओ, ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स वाले तो मैं मैच नहीं कर पाऊंगा। अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मैं ऑलरेडी आपको आपके जो जनरल इंटर्नशिप होती है कॉलेज में उसके हिसाब से ठीक दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब कॉलेज का थर्ड ईयर बचता है, 50,000 सैलरी ठीक होती है, मतलब ठीक होती है थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। बाद में मुझे पता चला, वो जब उसने चैट दिखाई, वो व्यक्ति गया था उनके ऑफिस तक कि मेरे को दो, मैं वहां पे काम करता हूँ, मुझे दो। किसी ने बुलाया नहीं उसको, वो खुद गया है। फिर जिसने बूटस्ट्रैप बिजनेस चलाया था, मैंने कहा मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसा था जो मेरे यहाँ काम भी करने आया, ऐसा क्या ऐसा होता है? उस व्यक्ति ने कहा 10 में से 9 लोग जो आपको कहते हैं कि मुझे किसी ने बुलाया है, अनलेस वो ऊपर के इंडिया के दो एडटेक स्टार्टअप में नहीं जा रहा है, देर इज 90% प्रोबेबिलिटी कि वो खुद उनको अप्रोच किया है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे पता है हाउ दे ऑपरेट, वुड यू लाइक। लेवरेज कर रहे हैं वो तो मैं। हाँ तो दिस वॉज समथिंग कि आप किसी व्यक्ति को बहुत ट्रस्ट करो यार, जो चश्मा और बाल आपकी तरह बनाता है, जिसके आप साथ बहुत बैठे हो, जिसके साथ आपने, मतलब मैं उनके साथ से पीछे बाइक वाइक पे भी घूमने चला जाता था, तो आपके दिमाग में नहीं आता कि यार ये ऐसे पीछे से जाके गेम प्ले करेंगे।